इंतहाई सादा बात। आप जाइए, हम जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं ना, ये है दुनिया परस्तों का दौर। हम सबको मालूम है, एक जगह में गया, साहब बहुत तजुर्बेकार थे, उन्होंने एक बोर्ड के ऊपर एक लाइन लगाई, बीच में दो कॉलम्स बन गए। उन्होंने एक कॉलम पे लिखा उल्टे हाथ पे, बेईमान, दगाबाज, चोर, फरेबकार, बेवफा। दूसरे हाथ पे लिखा सच्चा, ईमानदार, बावफा, जानिसार। उन्होंने कहा मौलाना इंसाफ से बताइएगा, इस वक्त दुनिया में कौन ज्यादा फिट है, कौन ज्यादा फिट है, राइट कॉलम लेफ्ट कॉलम। तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये कहते हुए शर्मिंदगी एहसास कर रहा हूं कि लेफ्ट ज्यादा फिट है आज की दुनिया में। तो उन्होंने कहा मौलाना मैंने 20 से ज्यादा मुल्कों में यह सवाल पूछा है और किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि राइट ज्यादा फिट है, किसी ने नहीं कहा। आप इस तरह की दुनिया में हैं, अब आपके पास दो रास्ते हैं, आप फिट होने की खातिर लेफ्ट पे आ जाए। और ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, क्योंकि वो फिट होना चाहते हैं ना। फिट होने का मतलब क्या है, आपको कहा जाए आप कामयाब इंसान है, आपको कहा जाए आप होशियार इंसान है, आपको कहा जाए कि आप बहुत अकलमंद इंसान है, इस शोहरत के उसूल के लिए कि आप माशरे में कामयाब कहलाए, कहां पे लोग जा रहे हैं, लेफ्ट पे, ताकि हम कहीं बेवकूफ ना रह जाए, ताकि हम कहीं लूजर ना कहलाए। अच्छा चलिए लेफ्ट पे चले गए, कितने लोग जीतेंगे इस मैदान में, सब दगाबाज हो गए, सब फरेबकार हो गए, सब चोर उचक्के हो गए, कितने जीतेंगे इसमें, स्टैटिस्टिक्स सामने है, देख लें, 15% भी नहीं, 15% भी नहीं, बाकी सब इस दगाबाजी का शिकार होते रहेंगे। ये दुनिया की स्टैटिस्टिक्स हैं, इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। किसी भी फोरम पे चले जाइए, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो और कोई एक्सवाईजी फोरम, जो सबके जाके स्टैटिस्टिक देखिए, जो लोग सक्सेसफुल हैं वो कितने फीसद हैं दुनिया के अंदर, बाकी लोग क्या हैं, ये वो लूजर्स हैं कि जो इस इमेजिनेशन के अंदर, इस इल्यूजन के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं कि एक दिन हम भी जीत जाएंगे। अच्छा जब तुम जीतोगे तो किसकी कुर्बानी पे जीतोगे, दूसरों की शिकस्त की बेस पे। मैं चार लोगों को हराऊंगा तब जीतूंगा, सही है, ये दुनिया है हमारी, खुदा ने ये बनाया था, वो अरहमुर राहिमीन मखलूक खल करेगा, अशरफ मखलूकात, और उसको इस निजाम में रखेगा जिसमें जीतने के लिए चार को हराना पड़ेगा, ये खुदा कभी करेगा नहीं करेगा। तो क्या राज क्या है यहां पर, मुश्किल क्या हुई है, फिर मुश्किल सादा सी एक मुश्किल है, हमने दुनिया की रिसोर्सेस को लिमिटेड पाया है, क्योंकि हमने दुनिया की रिसोर्सेस को लिमिटेड पाया है तो हमारे नजदीक कामयाबी का मेयार छीनना है। हमने यह देखा है कि सोना लिमिटेड क्वांटिटी है, अगर मुझे ज्यादा सोना चाहिए, कितना सोना जो मेरी ख्वाहिशात को पूरा करे, तो ये जस्टिस से मिलेगा सबको इतना नहीं, मेरी अनलिमिटेड ख्वाहिशात है तो यकीनन मुझे किसी से छीनना पड़ेगा, ये दुनिया है हमारी, क्योंकि मुझे छीनना पड़ेगा, ताकतवर छीन लेगा, कमजोर फंस जाएगा, और ये दुनिया चल रही है इसी तरह। या क्या खुदा इस पे बनाएगा, नहीं, खुदा का निजाम किस पे, खुदा का निजाम यह है कि लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है खुदाया, खुदा कहता है हां ये खजाने जमीन और आसमान अनलिमिटेड है, खुदा दुनिया कहती है लिमिटेड है, ये एक दूसरे की गर्दन काटते हैं उनको लेने के लिए, खुदा फरमाता है लिमिटेड उनके लिए होंगे जो छीनने की कोशिश करेंगे, अनलिमिटेड उनके लिए होंगे जो देने की कोशिश करेंगे, उनके लिए अनलिमिटेड होगा। एक जुमला और अर्ज करूं, वक्त खत्म हो रहा है,